हेलो दोस्तों, मैं माजिद महफूज और आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्स को किस प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो हमारे कोई फ्रेंड्स होता है वो ले लेते हैं और चलाने लगते हैं और उसमें हमारा कोई ऐप्स यूज़ करने लगते हैं। मान लीजिए ये जो फेसबुक है वो फेसबुक ही चलाने लगें या फिर व्हाट्सएप ही चलाने लगें या फिर आईमो जो ऐप्स है, कोई भी ऐप्स ए टू जेड ऐप है वो चलाने लगते हैं। दोस्तों, हम परेशान हो जाते हैं, यार ये कब मेरा मोबाइल देखा, या फिर वो ब्राउज़र में जाता है आपका फ्रेंड्स और यहाँ से कोई भी मान लीजिए फेसबुक ही चलाने लगता है। तो दोस्तों, हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये मेरा मोबाइल फेसबुक चला रहा है, कब देखा। दोस्तों, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट को तो सबसे पहले आप जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो मैं भी चलता हूं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यहां पर गूगल प्ले पर मैं सर्च करता हूँ ब्लॉक साइट। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक साइट, BLOC की ब्लॉक SIT। जी हाँ दोस्तों, यही सर्च करना है तो किस कुछ इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये डाउनलोड होने जा रहा है, तो ये सिंपली है 16 MB का। तो दोस्तों, मेरा नेट इस टाइम बहुत स्पीड चल रहा है तो जल्दी जल्दी ये डाउनलोड हो रहा है, तो आपको भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है बट अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ से बैक या फिर यहीं पर रहें, यहीं से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो चुका है, मैं सिंपल यहाँ से ओपन कर लेना इसको। दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पर ओपन पर क्लिक किया तो इस प्रकार से कुछ एक नई विंडो हमारे सामने आएगी, मतलब एक नई स्क्रीन। तो यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टेड, तो हमें सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद ये जो इनेबल ब्लॉक सेट को इनेबल करने के लिए कह रहा है, तो हम सेटिंग में सिंपली जाते हैं, ये सेटिंग में आ जाएगा। तो हमें ये बता रहा है कि आप यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए, जो ब्लॉक साइट ऑफ है आप वहाँ से ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं गो इट पर क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है ब्लॉक साइट, तो इस पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर ऑफ है तो मैं सिंपल यहाँ से ऑन कर लेता हूँ इसको और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑन किया तो वो जो ऐप्स है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर हमने वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, मतलब ये कि आप जिस भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले चलता हूँ फेसबुक में, तो मान लीजिए मैं चलता हूँ क्रोम और यहाँ से पहले आपको फेसबुक ओपन करके दे रहा हूँ कि ये फेसबुक अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ से मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, लॉगिन हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं हो चुका लॉगिन। तो इस टाइम देखिए दोस्तों, मेरा जो फेसबुक है वो चल रहा है यहाँ पर, यानी ब्लॉक नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए अब मुझे यही जो फेसबुक ओपन हो रहा है इस टाइम, अब मुझे इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। मान लीजिए फेसबुक या कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए तो सिंपली हमें जाना पड़ेगा उस ऐप्स में जो मैं डाउनलोड किया हूँ ब्लॉक साइट। तो मैं चलता हूँ सिंपली उस ऐप्स में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ब्लॉक उस ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी वेबसाइट को ब्लॉक करना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे फेसबुक वाली वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ FACEBOOK.com। या दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको सही का निशान दिख रहा होगा तो आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए जो वेबसाइट वो ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं फिर अब चलता हूँ फेसबुक क्रोम में जाता हूँ और फेसबुक ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या जो मेरा फेसबुक है वो चल रहा है। दोस्तों, पहले से ही मेरा फेसबुक ओपन हुआ था, जैसे वहाँ पर रिफ्रेश हुआ पेज,
यहाँ पर दिखा रहा है द साइट इज़ ब्लॉक्ड बाई ब्लॉक वेबसाइट, मतलब ये जो वेबसाइट मतलब ये फेसबुक जो वो ब्लॉक है ब्लॉक वेबसाइट से। दोस्तों आप इसको चला नहीं सकते। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको किसी भी ऐप्स को ब्लॉक करना है, मान लीजिए ये जो फेसबुक इस टाइम यहाँ पर इंस्टॉल है उसको ब्लॉक करना है इस ऐप्स को। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर ब्लॉक साइट में इस ऐप्स पर, और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा ऐप्स, आप यहाँ से किसी भी ऐप्स को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ भी कोई ऐप्स हो, जैसे मैं आप लोगों को कहा था कि मैं फेसबुक ब्लॉक करके दिखाऊंगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो फेसबुक ऐप्स है वो ब्लॉक वाली लिस्ट में आ चुका है। अब मैं दोस्तों चलता हूँ बैक और यहाँ से फेसबुक को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने पर भी वो दिखा रहा है दिस एप्स इज़ ब्लॉक्ड बाय ब्लॉक वेबसाइट, मतलब कि ये जो आपका एप्स है वो ब्लॉक है ब्लॉक वेबसाइट से। दोस्तों आप इसी भी प्रकार से आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप ही को ब्लॉक करना है तो आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं, जाना सिंपली उस वेबसाइट में और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना ऐप्स में, ऐप्स में फिर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप देखना है कि मेरा जो व्हाट्सएप वो कहाँ, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप वो भी ब्लॉक हो चुका है। तो मैं अब आप लोगों को व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं जाता हूँ व्हाट्सएप में, और दोस्तों यहाँ पर देख लिए व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, मैं जो पासवर्ड है उसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अभी तो ये मेरा ब्लॉक नहीं हुआ है, शायद थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो अभी हो जाएगा। दोस्तों मैं चलता हूँ सिंपली बैक और फिर से ओपन करता हूँ इसको और फिर देखता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर बता रहा है, वो अभी रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज, तो यहाँ पर रिफ्रेश होने के बाद बता रहा है कि दिस एप्स इज़ ब्लॉक्ड बाई ब्लॉक वेबसाइट, मतलब ये जो आपका एप्स है वो ब्लॉक है पूरी तरह से ब्लॉक वेबसाइट से। दोस्तों आप इसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो किसी भी एप्स या किसी भी वेबसाइट को आसानी से ब्लॉक कर सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।